आज से ये ओबीसी पार्टी का सदस्यता अभियान शुरुआत हुआ है। जैसा कि आप जानते हैं, दलितों पिछड़ों के क्रांति की धरती है और इसी धरती से चौरी चौरा की क्रांति की लौ उठी थी, जो अंग्रेजों की चूल्हे हिला दिया करती थी। तो आज ओबीसी पार्टी जो आज यहाँ सदस्यता अभियान स्टार्ट कर रही है, शुभारम्भ हो चुका है, दलित और पिछड़े समाज के लोगों को जाके जागरूक किया गया, या जाके यहाँ कुछ लोग सदस्य भी बनने का काम कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर ओबीसी पार्टी को जो जन समर्थन मिल रहा है उससे स्पष्ट होता है कि अब ओबीसी और दलित समाज के लोग अब और नहीं ठगाना चाहते, क्योंकि कहीं ना कहीं जो गठबंधन और गैंग की सरकार, हम उनको कह सकते हैं, जो एक गैंग की सरकार बन रही है, वो केवल लूटपाट और ओबीसी के हक अधिकारों को और दलित समाज के हक अधिकारों को खाने का काम कर रही है। मगर ओबीसी पार्टी ऐसा नहीं होने देगी, क्योंकि यह पार्टी ओबीसी और दलितों के द्वारा ही बनाई गई है। भाई देखिए, जागरूकता है, प्रचार प्रसार किया गया है, सभी लोग, कुछ लोग क्वेरी करने के लिए आए हैं, कुछ लोग उत्सुकता में आए हैं क्या चीज़ें हैं, कुछ लोग अपनी समस्याओं को बताने के लिए आए हैं। निश्चित तौर पे अहम भूमिका होगी। क्या नाम है? पार्टी में जुड़ने के लिए आए हैं। अच्छा पार्टी में हम जुड़ रहे हैं कि भाजपा के नेता हैं, महिलाओं के साथ हम रहते हैं। हम लोग बहुत साथ हैं, हमारे लोग साथ हैं, हमारे लोग साथ हैं, हमारे भाजपा के नेता हैं सब, हम के जिला पंचायत में रहने से पहला चक्कर में बहुत ज्यादा हम भाजपा के नेता हैं, तो हम ये आए सब कि यहाँ जुड़ने के लिए बोलता है ये जुड़ो ओबीसी पार्टी में जुड़ना है। हम यहाँ आए तो ओबीसी पार्टी को बहुत अच्छा लगा, हम यहाँ जुड़ना चाहते हैं और हम सबको जुड़ाना चाहते हैं और मेरा आगे की कार्यक्रम बढ़ने के लिए उपस्थित होगी। मुझे क्या लगता है कि ये पार्टी आप लोगों की समस्याओं का निदान करेगी? हाँ हाँ, बिल्कुल ही निदान करेगी। मुझे बहुत अच्छा लगा ओबीसी पार्टी और सबको हम जुड़वाना चाहते हैं, हमको ये पार्टी बहुत अच्छा लगा। इसके पहले जो जनप्रतिनिधि थे या पार्टी थे, आप लोग की समस्या? नहीं, कोई समस्या हल नहीं होती थी। 2027 की तैयारी अभी से देखने को मिल रहा है, जो है विधानसभा 2027 के चुनाव को लेकर के ओबीसी पार्टी अभी से कमर कस चुकी है। आज से इसकी शुरुआत उन्होंने की और आज जो है चौरी चौरा में इसकी शुरुआत हो रही है, चूँकि शहीद स्थल है और ऐसे में क्रांतिकारी जो है स्थल से इसकी शुरुआत की जा रही है। ओबीसी जो है पार्टी की सदस्यता अभियान है और इस सदस्यता अभियान को लेकर के आप देखेंगे कि जो महिलाएँ हैं बढ़ चढ़ कर के हिस्सा ले रही हैं, पुरुष हो महिलाएँ हों, सभी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं और कायदे इस सदस्यता अभियान की शुरुआत आज की गई है और ये लगातार जारी रहेगी। और इस दौरान सदस्यता अभियान के दौरान की अगर बात करें तो जो एक टारगेट लेके रखा गया है, वो टारगेट हम इनके जो अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष कालीशंकर जी, उनसे ही बातचीत कर लेते हैं। एक आज से ये जो शुरुआत हो रही है वो किस चीज़ की शुरुआत है और 2027 को लेकर मुझे लग रहा है अभी से आप लोग तैयारी में जुट गए? ये ओबीसी पार्टी का सदस्यता अभियान है। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी 20 अप्रैल को हमारी पार्टी का रजिस्ट्रेशन मिला है 2024 में। यह ओबीसी पार्टी पिछड़े और दलितों की देश की पहली पार्टी है जो उनके हक अधिकार के लिए लगातार कोर्ट से लेकर सड़क तक आवाज़ बुलंद करने का काम करती है। और आज ये सदस्यता अभियान चौरी चौरा की ऐतिहासिक धरती से शुरू हुआ है, वह ऐतिहासिक धरती है जो दलितों और पिछड़ों के क्रांति की झड़ती है, जिसने अंग्रेजों की चूल्हे हिला करके रख दिया था और आज़ादी के आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका है। आज देख रहे हैं सदस्यता अभियान जिस तरीके से यह चल रहा है, भीड़ उमड़ी हुई है सदस्य बनने के लिए ओबीसी पार्टी के, तो यह तस्वीर साफ है 2027 में उत्तर प्रदेश में ओबीसी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। ये चीज़ बताइए कि अभी आज आप इसकी शुरुआत किए हैं, कब तक चलेगा और कितना का टारगेट लेके चल रहे हैं? ये अनवरत चल रहा है और हमारी देश की आबादी का 60% हिस्सा है, दलित भाइयों के साथ 85% हिस्सा है।
तो करोड़ों करोड़ों में ये संख्या जाएगी। जैसा कि आप जानते हैं 7 राज्यों में हम लोगों ने प्रभारी भी नामित कर दिया है और 403 सीटों पर विधानसभा उत्तर प्रदेश के हम लोग की तैयारी है। गांव-गांव यह सदस्यता अभियान चलने जा रहा है आज से। 2027 में एक अहम भूमिका निभाएंगे आप? बिल्कुल अहम भूमिका रहेगी और हमारी अकेले दम पे नहीं रहेगी, करोड़ों करोड़ों उत्तर प्रदेश के पिछड़े और दलित भाइयों के सहयोग से और उनके वोट की शक्ति से रहेगी। क्या कह रहे ओबीसी पार्टी की सदस्यता ग्रहण करने के लिए पहुंचे हैं और पूरी तरीके से ये बताओ कि ये जो अब सदस्यता अभियान चल रहा है इसको लेकर कितने आप लोग एक्टिव हो? आज जो सदस्यता अभियान आप लोग चला रहे हैं क्या लग रहा है आने वाले समय में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे? देखिए, आने वाले समय में ये सदस्यता अभियान एक ऐतिहासिक रूप लेगा और विधानसभा में हम लोग पहुँचेंगे और 2027 का टारगेट है। ताकि देखिए, इतनी महिलाएं पुरुष हमारे युवा जन जुड़े हुए हैं इस ऐतिहासिक धरती क्रांतिकारी धरती चौरा चौरा नई बाजार स्थित दिव्या मैरिज हॉल में ओबीसी पार्टी के लिए। आप देखिए, मैं आपको दिखाऊंगा कि ये है सदस्यता अभियान का जो ये रसीद है वो आपको यहाँ नजर आ रहा होगा। ओबीसी पार्टी प्रारंभिक सदस्यता 2024 से 2029 और बाकायदे इसमें जो कॉलम है विधानसभा का नाम है, लोकसभा क्षेत्र का है, पोलिंग स्टेशन है, यानी मोबाइल नंबर से लेके पूरा डाटा इसके जरिए यहाँ पे लिया जा रहा है और बाकायदे इसके जरिए आने वाले 2027 की तैयारी अभी से की जा रही है। सारे लोगों को यहाँ पर जोड़ा जा रहा है और बाकायदे इसके जरिए कहीं ना कहीं एक अहम भूमिका आने वाले 2027 के चुनाव में इन लोगों की देखने को मिलेगी और निश्चित रूप से तमाम राजनीतिक पार्टियों का समीकरण भी बिगड़ता हुआ नजर आएगा। सुशील कुमार, इंडिया न्यूज, गोरखपुर। लोकल मीडिया का हृदय से आभार अभिनंदन चौधरी चौरा के साथियों का करते हैं। बिना आप लोगों के आवाज की मजबूती दे हुए हम लोग की आवाज केवल इस रूम में दबके रह जाएगी। आप गोरखपुर से चल के आया, हस्ताक्षर नहीं हुआ है, उनका हस्ताक्षर ले और उनका दस्तखत करा दे। धन्यवाद। मीडिया का हृदय से आभार अभिनंदन चौधरी चौरा के साथियों का करते हैं। बिना आप लोगों के आवाज की मजबूती दे हुए हम लोग की आवाज केवल इस रूम में दबके रह जाएगी। आप धन्यवाद। अब सदस्यता अभियान शुरू होगा। मैं विश्वास लगाना चाहता हूं कि बारे का काम करेंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भागे भाई। अब हमारे बीच सबसे पहले मैं कुछ कहूं, उससे पहले हम लोग जोरदार नारा लगाइए, बाबा साहेब अमर रहे, अमर है, अमर रहे, बाबा साहेब अमर रहे, अमर है, अमर रहे। मेरे सम्मानित साथियों, जैसे आपकी मीडिया
आज की मीडिया बीत चुकी है मेरे हमारे साथ।